कलर्स टीवी पर जल्द ही प्रसारित होने वाला नया शो फना इश्क में मरजामा का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें शो के दो बेहतरीन कलाकार रीम शेख और जैन इमाम नजर आ रहे हैं, जिनकी शो से जुड़ी कई प्यारी प्यारी सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें उनके बीच बेहद प्यार और अच्छी बॉन्डिंग को देखकर फैंस खुश होते हुए उन्हें अपना पॉजिटिव रिएक्शन अलग अलग वे में दे रहे हैं और दोनों को एक साथ काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दोनों के बीच की प्यारी सी बॉन्डिंग को देखकर ना सिर्फ फैंस ने बल्कि अभिनेता शहबान अजीम ने भी अपना रिएक्शन नेगेटिव वे में दिया है और दोनों को लेकर काफी बुराइयां भी की हैं, जिसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं शहबान अजीम के नेगेटिव रिएक्शन के बारे में, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जैन इमाम टीवी के सबसे प्रसिद्ध स्टार हैं, तो वहीं हमारी रीम शेख भी किसी से कम नहीं है, जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। इसलिए फैंस के लिए ये अपने नए शो फना को टेलीकास्ट करने जा रहे हैं, जहां दोनों की प्यारी प्यारी फोटोज और वीडियोस देखकर दर्शक ये पहले से ही अंदाजा लगा चुके हैं कि उनके बीच कितनी प्यारी सी बॉन्डिंग है और बहुत सारा रिश्ता कायम है। इसलिए तो दर्शकों ने काफी अच्छे अच्छे रिएक्शन इनके बॉन्ड को लेकर दिए हैं। लेकिन उन्हीं में से एक शहबान अजीम भी हैं, जिन्होंने दोनों के बीच के बॉन्ड को देखकर अपना पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रिएक्शन दिया है और अपनी राय में ये कहा है कि दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जैन इमाम तो रीम से इतने बड़े लग रहे हैं कि मानो रीम उनकी बेटी हो। मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ी कुछ खास कमाल शो में दिखा पाएगी। मेरा तो मानना ये है कि रीम के साथ मेरी जोड़ी ही बेस्ट लगती है, क्योंकि हमारे बीच दोस्ती का बेहद ही अच्छा बॉन्ड रहा है और ना ही मुझे ये शो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पता नहीं मेकर्स ने क्या सोचकर इन दोनों को इस शो के लिए कास्ट कर लिया। मेरी और रीम की पार्टनरशिप तो इतनी अच्छी है कि दर्शकों ने 3 साल तक हमें एक साथ देखना खूब पसंद किया है और आज भी करते हैं। ऐसे कहते हुए रीम शेख और जैन इमाम की बॉन्डिंग को देखकर शहबान अजीम ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। वेल दोस्तों, रीम शेख और जैन इमाम की प्यारी सी बॉन्डिंग को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।